हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज पर अपलोड रील्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, मान लीजिए आप अपने फेसबुक पेज पर रील्स अपलोड किए हैं और अब आप उस रील्स को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों मान लीजिए आपके फेसबुक पेज पर कोई रील्स गलती से अपलोड हो गया है, तब किस तरीके से फेसबुक पेज पर अपलोड रील्स को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन का होम पेज बन हो गया है। फिर आपको साइड में यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह एक पेज बन होगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर एक पेजेस का ऑप्शन दिख रहा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज बन होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर वो सारे फेसबुक पेज आ जाएंगे जो आपने आज तक अपने फेसबुक पेज पर बनाए होंगे पेज। तो दोस्तों अब आपको उस फेसबुक पेज को ओपन कर लेना है जिस फेसबुक पेज पर आपका रील्स अपलोड है और आपको डिलीट करना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे इस फेसबुक पेज पर रील्स अपलोड है और हमें डिलीट करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें आपको ऊपर की ओर स्लाइड करते जाना है दोस्तों। आप स्लाइड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वो सारे फोटो और वीडियो और रील्स आ जाएंगे जो आपने आज तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर यहाँ पर एक रील्स शो हो रहा है। अब हम इस रील्स को डिलीट करके बताएंगे कि फेसबुक पेज पर अपलोड रील्स को कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों रील्स को डिलीट करने के लिए आपको साइड में यहाँ पर रील्स के ऊपर यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखो दोस्तों, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह पेज बन होगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको नीचे से 3rd नंबर पर एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, मतलब कि आप श्योर है कि इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कि आप श्योर है कि इस रील्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप श्योर हैं तो आपको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर साइड में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ब्लू कलर से लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये रील्स डिलीट हो जाएगा आपके फेसबुक पेज से। तो चलिए आपको दिखा देते हैं डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले अपने फेसबुक पेज को रिफ्रेश करते हैं और फिर आपको दिखा दें कि हमारा रील्स डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देखने के लिए आपको ऊपर की ओर स्लाइड करते जाना है दोस्तों। स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब वो रील्स नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो रील्स डिलीट हो गया जो अभी हमने डिलीट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड रील्स को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।